राम राम। जो लोग भी गांव से तैयारी कर रहे हैं और उनके पास मतलब उतने रिसोर्सेज नहीं हैं, मतलब कि रिसोर्सेज की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, उनके घर वालों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो दिल्ली भेज के तुम्हारी तैयारी कराएं, या फिर वो खेती नहीं बेचना चाहते हैं। मतलब होता है यार कई बार कि गांव में खेती बेचना ऐसा होता है कि जैसे उनका कुछ अंग काट दिया हो शरीर का, होता है ये गाँव के लोगों के साथ है। प्रॉब्लम भी, प्रॉब्लम नहीं कहेंगे यार, एक रूट है वो अपना। हम यहाँ पे उन लोगों से कह रहे हैं जो गांव में रह के कोई बड़ा सपना देख रहे हैं बड़ी नौकरी के लिए। देखो, सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, उनको एग्जीक्यूट करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए चीज़ें बहुत सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। अब अच्छा, हम गांव की बात कर रहे थे। गांव में अगर हो तुम और बड़ी सरकारी नौकरी की तुम तैयारी करना चाहते हो, या तुम्हारा मन है कि यार एक बड़े एग्जाम को क्रैक किया जाए, ये बिल्कुल कोई गंदी सोच नहीं है भैया कि इसमें कुछ तुमने बुरा सोच लिया, बहुत गजब का सोचा है। अब सबसे पहली चीज़ तुम्हें ये समझनी पड़ेगी कि तुम्हें जगह की तो दिक्कत नहीं होने वाली है, तुम्हें एनवायरनमेंट जो होता है उसकी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि गांव में माहौल तुम्हें सबसे शांत मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि गांव में जैसे यार 9-10 बजता आदमी घर के अंदर पैक हो जाता है, किसी से कोई मतलब नहीं रहता, शाम को 7-6-4 बजे तक तो एटलीस्ट रहता ही है। ठीक है, तो अगर तुम गाँव में रह रहे हो और तुम्हें ये लग रहा है कि तुम्हें चीज़ें करनी चाहिए और IAS की तैयारी करनी चाहिए, तो हम ये चाहते हैं कि कुछ दिन के लिए, हमेशा के लिए नहीं, अगर नहीं घर वालों के पास पैसा ठीक है, एक बार शहर जाओ। ठीक है, और ट्राई करो, अगर कहीं पे जॉब मिलती है, वैसे तो बातें सब पेल देते हैं यार, जॉब बहुत मुश्किल में ही मिल पाती है। खैर, अगर मान लो घर वाले तुम्हें दूर भी नहीं करना चाहते, फिर भी एटलीस्ट 7 दिन के लिए तो दिल्ली जाओ, एटलीस्ट 7 दिन के लिए दिल्ली जाओ, 7 दिन के लिए दिल्ली जाओ। और कोई ना कोई ऐसा होता होगा जिसको तुम जानते हो जो दिल्ली में रह रहा होगा, कि या फिर ऐसे नॉर्मल भी अगर कह दोगे, लोग साथ देते हैं यार, स्टूडेंट एक दूसरे का साथ जरूर देते हैं। तो अगर कोई ऐसा है जो UPSC की तैयारी कर रहा, पहले जाके उससे मिलो। ठीक है, किसी से भी मिल लोगे, कोई मना नहीं करता यार, इतना अच्छे लोग हैं। खैर, तो वो तुमसे बात करेंगे, उनसे मिलो, बस उनसे इस चीज़ के बारे में जानकारी ले लो कि तैयारी करनी कैसे, ताकि तुम्हें एक आइडिया मिल जाए, क्योंकि गांव में रह रहे हो, तुम्हें इस बारे में नॉलेज है नहीं, इस दुनिया के बारे में। तो जब तुम्हें वहाँ से नॉलेज मिल जाए, तो अपनी जो किताबों की नॉलेज है वो उनसे ले लो कि किस किताबों से करा जा सकता है। ठीक है, किताबें क्योंकि लगभग सेम ही होती है, उनसे ये पता कर लो नोट्स हम कहाँ से ले सकते हैं, और हम पेपर कहाँ से लिख सकते हैं, कहाँ पर चेक हो सकते हैं, कैसे क्या हो सकता है। मतलब कहने का ये है कि सारा प्रोसीजर लिख लो, उसको नोट कर लो अपनी कॉपी पर, अब तुम किताबें खरीदो। ठीक है, जो भी किताबें उसमें लिखी हैं, दी हैं तुम्हें, इसीलिए हमने कहा है 2-4-5-10 दिन के लिए रुको, किताबें वो खरीदो, नोट्स अगर किसी चीज़ के अगर वो लोग बता रहे हैं वो नोट्स खरीदो, उनसे पता कर लो कि हम मॉक कहाँ से दे सकते हैं, सारी चीज़ें वो बता देते हैं। अब इसके बाद तुम घर पर रह के तैयारी चालू करो। देखो, अगर गाँव में रह के तैयारी कर रहे हो, ये बिल्कुल सच बात है कि तैयारी थोड़ी सी टफ होने वाली है, या फिर हम ये कहें कि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगने वाला है, तो ये लेकिन लास्ट तुम्हारी कोशिश होनी चाहिए। मतलब कि पहली कोशिश तो तुम्हारी यही होनी चाहिए कि तुम दिल्ली चले जाओ, अगर नहीं जा पा रहे हो तो तुम लास्ट कोशिश है कि गांव में रह के करो। और गांव पे रह के भी हमने बहुत लोगों को देखा है IAS क्लियर करते हुए, बहुत लोगों ने PCS क्लियर किया है गांव में रह के, लेकिन उसके लिए समय बहुत लग जाता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला काम यही करना है, दिल्ली जाके पता करना है चीज़ों के बारे में, ताकि वहाँ से तुम्हें शॉर्टेड मटेरियल मिल जाए, फिर घर आके तैयारी कर सकते हो। अगर घर वाले इतना पैसा दे रहे हैं कि तुम कोर्स खरीद सकते हो, तो ऑनलाइन कोर्स PDF कोर्स आता है, वो खरीद सकते हो, और PDF कोर्स में ये आसानी है कि नेट की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। ठीक है, तो ये चीज़ें करके तुम गांव में रह के भी IAS क्लियर कर सकते हो। राम राम, जय।